नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कोरोना वायरस के साथ साथ टिड्डी दल का भी आतंक जारी है, तो वही हाथरस के सादाबाद गांव में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला, जहां आसमान में 10 अरब से ज्यादा टिड्डी उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। नौगांव, नागला बाग, नागला चौधरी, नागला घानी टिकट और साथ ही हाथरस के सादाबाद शहर के गांव में भारी मात्रा में टिड्डे आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि टिड्डे की एक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डा सामान्यत सुनसान इलाकों में पाया जाता है। जब हरे भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं, तो ये निर्जन स्थानों में रहने वाले सामान्य कीट पतंगों की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि एक साथ मिलकर भयानक रूप अख्तियार कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए टिड्डी दलों में 10 अरब तक टिड्डे हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। ये झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। एक दिन में टिड्डों के ये झुंड अपने खाने और प्रजनन के मकसद से इतने बड़े क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक एक औसत टिड्डी दल 2500 लोगों का पेट भरने लायक अनाज को चट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।